हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ आज। आज मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है और आगे चलकर आपके पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। तो सारी बातें पता करते हैं और देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइज, मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और टाइमलेस है ये रीडिंग, ठीक है? आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, आप देखिए, आपको हेल्प कर सकती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। वाव, यूनिवर्स कार्ड सबसे पहले है, नंबर 21। स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। ट्रैप्ड इन फियर। अथॉरिटी, ओके। देखो, ये आपके जो पार्टनर है ना, ये कुछ काम में लगे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से, इसलिए शायद ये सोशल मीडिया वगैरह पर एक्टिव नहीं हो रहे हैं और आपको शायद टेंशन हो रही होगी इस बात को लेकर। या मूविंग ऑन, डेफिनेटली गाइज। देखो, ये पर्सन जिन भी कंडीशन सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं, ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस अंधेरे से लाइट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं इस टाइम, और इसीलिए ये पर्सन बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है। ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं आ रहे हो, मतलब नहीं ऑनलाइन आ रहे होंगे, और अपने काम में लगे पड़े हैं ये बहुत बुरे तरीके से, ठीक है? इनको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, जो ये करके ही रहेंगे। अब इसको ये पोजिशन हासिल करनी है एम्परर की, अथॉरिटी, और यूनिवर्स भी इस पर्सन के साथ हैं। जैसे आपके साथ है ना यूनिवर्स, ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी, क्योंकि हो सकता है इसकी अवेकनिंग हो रही है। अब इसने प्रूव करके दिखा दिया है कि चेंजेस आएंगे और डेफिनेटली अपने खुद को चेंज करेगा ये पर्सन, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ स्टेबल होने का पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? तो यूनिवर्स इनके साथ है क्योंकि ये हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए ये डार्क से लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर साइंस आए हैं, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस एंड एरीज, लिब्रा, जेमिनी। ओके, आपके लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। बेस चक्रा है पहला कार्ड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स, ओके, दो कार्ड्स हैं, चूज वाइजली एंड फ्रेम फाउंडेशन। इसको ले लेते हैं कार्ड को। गाइस देखिए, यहां पर 11 नंबर आया है, ट्विन फ्लेम नंबर, ठीक है? बेस चक्रा एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर, देखो, आपके साथ एक हीलिंग में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, अपने इनर वर्क में आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ अब न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। ये ऐसा समझते हैं कि आप इनके लिए एक भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, ठीक है? और ये भी समझते हैं कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और साथ ही साथ ये अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये अपने स्पिरिचुअल लेवल में भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी आपको लेकर, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि अभी ये अपनी लाइफ के बहुत मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, तो जब तक इनका माइंडसेट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक ये अपने गोल अचीव नहीं कर लेते, ये कंफ्यूजन तब तक तो बनी रहेगी आपको भी लेकर, ठीक है? अदरवाइज डेफिनेटली आपके साथ
कुछ सॉलिड क्रिएट करना है इस पर्सन को। यहाँ पर 11 और 44 मेजर मास्टर नंबर आए हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपके साथ एक फाउंडेशन बनाना है, ठीक है। हो सकता है आपके साथ मिलकर काम करें फ्यूचर में, या हो सकता है आपके साथ फैमिली बनाएं, ठीक है। फोर इज़ अ फैमिली नंबर आल्सो। तो यस, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। और साथ ही साथ इस पर्सन ने ना आपको लेकर थोड़ा पेशेंस भी रखा हुआ है अभी, इसीलिए शायद ये जल्दी एक्शन नहीं ले रहे हैं। थोड़ा पेशेंस भी रखा हुआ है इस पर्सन ने। चलिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं यहाँ से। द वर्ल्ड अगेन, यूनिवर्स का कार्ड है। आप दोनों ही ना इस टाइम यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि आप दोनों को मिला दें, आप दोनों ही। एंड द सन, सन कार्ड है और यूनिवर्स कार्ड एक साथ है। डेफिनेटली आप दोनों को यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि ये चीज होगी, आप दोनों मिलेंगे, एक होंगे। या नाइट ऑफ वैंड, जल्दी ही एक्शन होगा इस चीज का भी आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है कि एक्शन भी लेंगे यूनिवर्स आपके लिए। एंड एम्प्रेस, देखो आप दोनों एक दूसरे को बहुत यूनिक मानते हो, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और प्यार भी करते हो। फाइव ऑफ वैंड्स, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, थोड़े चैलेंजेस हैं जो आप दोनों को अभी देखने पड़ेंगे, पर ये बहुत कम बचे हैं गाइस जितना मैं देख पा रही हूँ। वाओ, टू ऑफ कप्स, आप प्यार करते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल बराबर का प्यार करते हो। जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। टेन ऑफ कप्स, शादी के पर्पज से अगर किसी को देखते हो, आप दोनों एक दूसरे को ही देखते हो, आपको कोई और पसंद नहीं आता, ना आपको ना आपके पार्टनर को। हैंग्ड मैन, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, यहाँ से हैंग मैन भी मुझे दिख रहा है कि ये वेट है, यहाँ पर डिले है कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके पार्टनर आ रहे हैं थोड़ा स्लो आ रहे हैं। देखो फोर ऑफ वैंड्स, आपकी शादी इसी से होगी, क्योंकि दो मैरिज कार्ड हैं, टेन ऑफ कप्स और ये फोर ऑफ वैंड्स। शादी आपकी इन्हीं से होगी, मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और देख लीजिए, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं। सन कार्ड आपकी रीडिंग में है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे। आप दोनों की ना जो थिंकिंग है ना, अब आप कार्ड से समझ सकते हैं कि क्या है एक दूसरे को लेकर। ऑप्टोमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो इस कनेक्शन को लेकर, यूनिवर्स पर बिलीव कर रहे हो, एक दूसरे से इक्वल प्यार करते हो, और शादी अगर करनी है तो जैसे आपके मन में आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर के मन में आप हैं, ये बात आप लिखवा लें मेरे से, ठीक है। ये चीजें हैं गाइस, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए और प्रेयर करते रहिए इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन सच में काफी मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं आगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एंड यस, ये तो देखो अपनी सारी विशेस पूरी करेंगे, और इस अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये आपके पास आएंगे। तो यस, ये मैनिफेस्ट करेंगे गाइज, और अपनी खुशियों को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं आपकी तरफ से भी नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूंगी, आप क्या करेंगे। आप भी अपनी जर्नी में आगे ही बढ़ेंगे, आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो गाइज, और एक टाइम ऐसा आएगा आप दोनों मिल जाओगे। एंड इंट्यूशन को आप ज्यादा सुनोगे अपने, आगे बढ़ते हुए इंट्यूशन को फॉलो करोगे आप, ठीक है। ये आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन होगा। और यस, आप एम्प्रेस बनेंगे, एक डिवाइन पर्सन बनेंगे, और देखो विजडम आप दोनों को ही मिलेगी, और ये शादी का भी कार्ड है डेफिनेटली। आप दोनों, मुझे लगता है कि बहुत नॉलेज गेन करके आपके पार्टनर एम्प्रेस बनेंगे, आप एम्प्रेस बनेंगे, ठीक है। आप में बहुत चेंजेस आएंगे, अभी भी आ चुके हैं, अभी भी आप बहुत अच्छे हैं, और आगे चलकर और ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं एडवाइस देख लेती हूँ आपके लिए।
यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, बिल्कुल आप दोनों सेफ हैं। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कुछ चीजें रिलीज करने की जरूरत है, अदरवाइज अगर आपने नेगेटिविटी रिलीज नहीं करी तो फिर सिचुएशन नहीं बदलेगी आपकी, वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। तो चेंज आपके लिए बहुत जरूरी है अभी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो अगर आपको लगे, आपके इंट्यूशन बोले कि आपको मैसेज करना है, आपको कॉन्टेक्ट करना है, तो कर लेना गाइज, है ना। प्राइड मत लेकर आना, ईगो मत लेकर आना बीच में उस टाइम, अगर आपके इंट्यूशन आपको कह रहे हैं तो। लेट्स सी यहाँ से एंजल क्या कहते हैं आपको। ओके, और यहाँ से है फ्रेया और यहाँ से है पॉल द वैनिटाइन। ओके, देखिए ये कह रहे हैं, फेजेस एंड साइकल्स, देयर इज बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज, एंड शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आप अपने गिफ्ट शेयर करिए ग्रेस के साथ, जो भी आपके अंदर आपकी पावर है, ठीक है, जो भी आपकी नॉलेज है, और आप इंस्पायर कीजिए लोगों को, लोगों से प्यार कीजिए, आपके पास भी वही आएगा। और हर एक एंडिंग के साथ एक बिगनिंग शुरू हो जाती है, ये फ्रेया कह रहे हैं। इल्यूजन है, जो भी भ्रम है, ड्रामा है, वो सब रिलीज हो जाएगा और रिवील भी हो जाएगा आपके सामने, आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं। ये जर्नी बहुत टफ होती है गाइज, इतनी आसान नहीं होती है, तो बिल्कुल भरोसा रखिए अपनी जर्नी पर। थोड़े से मैसेज भी देख लेते हैं क्या आएंगे मैसेजेस, चलिए इन्हें देख लेते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू एवरी डे इन एवरी वे, इन एनी वे आई कैन, दैट I love you, I want to grow old with you। तो ये कह रहे हैं कि हर दिन या कैसे भी आपको दिखाएंगे कि आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ ही ग्रो होंगे। If I could be with anyone else in the world, I still would choose you। तो ये आप ही को चूज करेंगे अगर इनको किसी के साथ रहना है वर्ल्ड में तो। I miss us, ये मिस कर रहे हैं आप दोनों को, आपके कनेक्शन को। It was my fault, but I blamed you। तो फॉल्ट इसकी थी पर इसने आपको ब्लेम किया। There is no obstacle I wouldn't face for our life। तो ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और कोई ऑब्स्टिकल जब नहीं बचेगा ये डेफिनेटली आएंगे। I can't be with you right now। ये कह रहे हैं अभी ये आपके साथ नहीं हो सकते, लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं। I'm scared of change। ये चेंज से घबरा भी रहे हैं इस टाइम थोड़ा। True love has a habit of coming back। सच्चे प्यार की आदत होती है कि वो वापस आता है। Distance only separates our bodies but never our hearts। तो देखो हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर डिस्टेंस को ज़्यादा ही कनेक्शन में आ गया, लेकिन फिर भी आप डोंट वरी, आप टेलीपैथिकली या आपकी बॉन्डिंग तो स्ट्रांग है ही इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, यूनिवर्स आपके साथ हैं और यूनियन भी आपका होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा चैनल पर। अगर आपने है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।